साथियों, वर्तमान युग जो है प्रतियोगिता का युग है, और इस प्रतियोगिता के युग में चाहे हमको किसी कक्षा में पढ़ाई करना हो, चाहे किसी पद में हमको भर्ती होना हो, हमको प्रतियोगिता परीक्षा दिलाना अनिवार्य हो गया है। चाहे सीजी व्यापम हो या रेलवे हो या पीएससी वगैरह हो, कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की बैंकिंग वगैरह परीक्षा होते रहती है। तो इसमें जो परीक्षा जो होती है, प्रवेश परीक्षा या रिक्रूटमेंट, तो उसमें हमको गणित के प्रश्न अवश्य उसमें पूछे जाते हैं हमसे, और उस गणित के प्रश्न को जो व्यक्ति, जो परीक्षार्थी सरलता से हल कर लेता है, वह उस पद के लिए योग्य पाया जाता है। इसी तारतम्य में हमने आज गणित विषय पर गुणा लेकर आए हैं। देखिए इस गुणा को किस प्रकार से सरलता से कम समय में हम हल कर सकते हैं। जैसे हम ले लिए हैं 6×9। पहले सरलता से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए और वीडियो पूरा देखिए। 6 में 1 कम करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 5। अब 9 में से 5 को कम कर देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 4। किसी पहाड़ा पढ़े नहीं और उत्तर हमारा एक ही पंक्ति में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम और दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। चलिए 87×99। तो 87 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 86। 1 कम किए, यहाँ भी 1 कम किए थे। अब ये 9 में से 6 कम करेंगे तो हो जाएगा 3, और 9 में से 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना हो गया, 8613। चलिए हम इसी प्रकार से और बड़ा प्रश्न को इसी में हल करके हमको आपको बताते हैं। जैसे 387×999 इस प्रकार से प्रश्न आया है हमारे पास, तो इस प्रश्न को भी हम बहुत सरलता से एक ही पंक्ति में हल करके बताते हैं। 386 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 386। कितना होगा, 1 कम करना ही, इसमें कुछ किए नहीं हम। अब उसके बाद 9 में से इसको हम कम करते चलते हैं, तो 9 में से 6 कम किए तो कितना हुआ, 3। 9 में से 8 कम किए तो होगा 1। 9 में से 3 कम किए तो होगा 6। ये देखिए एक ही पंक्ति में कितना कम समय में हम इस प्रश्न को हल करके आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार हम 4 अंकों को भी ले सकते हैं। 3, 7, 3, 8, 6, 5×9999 कितना आसानी से ये प्रश्न को हल करेंगे। हम किसी पहाड़ पढ़ते नहीं, सिर्फ हम इसमें से 1 कम कर देते हैं तो 3,865 है, तो हम 3,864 1 कम की, कुछ किए क्या नहीं। अब इसमें से 9 से कम करते जाते हैं तो इधर से ही कम कर लेते हैं। चलो 9 में 3 कम करेंगे तो 6, 9 में 8 कम करेंगे तो 1, 9 में 6 कम करेंगे तो 3, और 9 में 4 कम करेंगे तो 5। कितना आसानी से उत्तर हमको प्राप्त हो जा रहा है। इस प्रकार से आप और प्रश्न आप घर में हल कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो अगर पसंद आया है तो YouTube पर मानिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।